आज की रात शानदार खेल पेश करने जा रहे हैं डी ग्रेड संगीत पार्टी मालिक मास्टर मोहम्मद रशीद गदईपुर पोर्ट सद्दीपुर फ्रॉम बाराबंकी एंड जलालुद्दीन कस्बा सिहाली फ्रॉम बाराबंकी। फिर दोस्तों खेल का नाम सुने, खेल का नाम है चंबल की शेरनी, चंबल की शेरनी, विक्रम की राइफल और फूलन देवी। ठाकुर श्री राम अपनी हवेली में बैठे हैं और नौकर से की बातचीत होती है। खेल का पहला दृश्य ठाकुर श्री राम, ठाकुर श्री राम की भूमिका निभा रहे हैं इस पार्टी के मैनेजर मास्टर रोजन अली कस्बा सिहाली फ्रॉम बाराबंकी। दुश्मनों की गोद का, दुश्मनों के गोद का वो दहकता आग हो जिसके कांटे लहन आए वही काला। शमाना क्यों ना मुझसे खिलाफ हो, मैं ठाकुर हूं। शमाना क्यों ना मुझसे खिलाफ हो, मेरा रास्ता वही चलूंगा जो टेढ़ा और खराब। बला की बिजली हूं। ठाकुर कौन भोसड़ी का ठाकुर कहता है, तत्री मां का चौधे। मैं तुझसे खुद बात नहीं करना चाहता हूं और नहीं तो तुझसे बात करूंगा। भला की बिजली हूं, भला की बिजली हो आफत को जो सिला समंदर में, और मैं जिसे आदेश लूंगा जलना। अब यह बात तो समझ कौन सी नहीं है तुम यार, कहां भी चलते हो जाओ यार, बैठो। मूड तो तुम्हारा हम आज खराब कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा मूड पहले से खराब है और हमारा भी मूड खराब है। जनता यू नहीं जान पाई रही है कि आप ठाकुर हो कि जहरीला नाग हो। नहीं आप तो ठाकुर साहब हो और जहरीले नाग की कुके थी। नहीं वो अब कहे हो ना। हाँ लेकिन ठाकुर क्या होता है, बहुत खराब होता है, वो बहुत अच्छा होता। तो फिर इसका प्लस माइनस करो तो एक हो जाएगा हिसाब बराबर। हाँ मैंने माना है ये साला रेडियो। अब विभिन्न भातिर खुल रहा है, ये रेडियो सिर्फ कहां से लग रहे। तब सारे सेले डाउन कर दिया, इनका वीडियो कैसेट ने बनावा दिया। ये हमारे दीक्षित वीडियो कैसेट वाले हैं, हमारा प्रोग्राम इनके पर पता है। लेकिन यू न चलेगा। क्यों नहीं चलेगा,
क्यों नहीं चलेगा? कितों सवेरे खर्चा दिया है? चबे खर्चा क्या है? किस बात का खर्चा है? किस बात का जो हम ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं? फोटो। ओ ऐसी मरी है कयू भैंसी। देखो नौकर, अन्य नौकर ना कहा करो, फिर क्या कहो साले मालिक। अब हम नौकर आन और तुम मालिक आओ, हम नौकर आन तुम्हारे जूता की ढोल। ये बात सच है, हम तुमका मालिक कह सके थे। बिल्कुल सही बात है। और नौकर तुम्हारी हलबेली में ही है? हलबेली नहीं, हमेली बोला जाता है। उमा पचासन नौकर है। हाँ, नाम से पुकारा करो। तो किस नाम से पुकारो? हमार नाम वैसे बुरा मान जी हो। कौन सा नाम? जीजा से। अबे, अबे। तुम साले हमारे जीजा हो? ये लो, मैंने इसको मारा, इसने हरामजादे ने गर्दे की तरफ झाड़ दिया। ये क्या है? तुम्हारे जीजा हो? नाम है तुम्हारा? नाम जीजा जी है? कैसे बताओ? हम नाम का हमारे मातारी के जो उन मम्मी रहे उनके 65-70 लड़का भी। क्या 65-70 लड़के हो गए? हमारे पापा यहाँ खेती करत रहे। अच्छा। फिर क्या हुआ? वाह, मतलब सब लड़का खत्म हो गए। अच्छा भाई, झरौतम हमारे उद्घाटन भवा, मम्मी पापा जोर कसली। अच्छा, जोर कसली। हाँ, तो हम तंदुरुस्त पैदा भेन। पहले यह तिनके रहन लखनऊ में रहन, वहाँ ढाबे पर यहाँ दाल फ्राई खाएन, ई देशा हो गए। तो जब हम पैदा भेन ठाकुर भैया मालिक, हम बहुत मारते हैं स्वर के बच्चे। तो कहे भैया कहे सने का तुम चिढ़ा सब कहा? तुमने क्या कहा? ठाकुर भैया। हाँ, तो फिर क्या हुआ? जब हम पैदा भेन तो हमारे वहां महतारी हमका सोब मैया लिटाई। अच्छा, अपने मायके चली गई। ठीक, हमारे बप्पा उठे अपने ससुराल चले गए। शानी वो ससुराल चले गए, फिर हमारे अम्मा उठी। क्या हुआ? अपने बप्पस कहीस, हमारे पापा उठे तो अपने ससुर से कहे। क्या? फिर हमारी मम्मी उठी अपने भैयस कहीस। अबे साले, तो बात ही तो एक ही है। वत्ती टाइम हम अत्ते बड़े रह, नाम का काम आलम या। अच्छा, ये बात है। क्या है बात? फिर हमारे पापा उठे अपने सालिस कहीं, फिर हमारी वो मम्मी उठी अपनी भौजिस कहीं, फिर हमारे बप्पा उठे अंताक्षरी छिड़ी गए। हाँ, समझ गया। अपनी सरहस से कहीं। अच्छा, होत करके 3-4 ट्राली आदमी मेहरुआ तैयार भेज। यानी बहुत लोग तैयार हो गए। देवा शरीफ लेके आए। अच्छा, देवा शरीफ मैया हाजी साहेब बाबा किया। हाजी साहेब बाबा रहा है नहीं? आ, समझ रहा हूं। वही भंडारा खाए चले गए रहा है। भंडारा? नहीं, एक जने खिया खतना रहा है। अच्छा, तो आई गए रहे बाबा। तब तो कहीं बाबा मिले नहीं है तो भाई कुर्सी वाला रोड मोड़ दी। फिर क्या हुआ? ट्राली वो जो हराई धाम है। हाँ, राम शंकर तिवारी बाबा परमानेंट। क्या कहा? परमानेंट? हाँ, अरे परमानंद बाबा कहते उनको, लेकिन वो पूजा परमानेंट करत रहा है। अच्छा अच्छा, ये बात है। कन्याओं का उद्धार परमानेंट कर। हाँ, ये तो समझता हूँ। तो वही बाबा मिले। फिर क्या हुआ? हमारी अम्मक देखिन तो लार चुन वो लेकिन हम दो तीन लाते मार दिए।
यानी तू उनसे भी ज्यादा सतर्क था। तो हमरे सर पर हाथ फेरे केन बचुआ, सारे लड़का मर गए तू तो जी जा, हम गंजी तब समान नंबर गए तुम्हारा राम। इस तरह हवा भरा जाता है हम जानित रहे, तुम बगैर हवा भरे उठी हो ना हवा। इस तरह हवा भरा जाता है कि साले बीच में टांग दिया क्यों? अब गाय छोड़े तो जो हवा भरे न वहा छोड़े, बाकी वह मुर्गी वाली गैस ना छोड़े। चप, चप, चप। देखो हमारे दोस्त जरा लाला राम को फोन करो, देखो कहाँ है। आप बैठिए। हेलो लाला राम जी। अरे भैया वो बड़े ठाकुर साहब ने याद किया है। गौर बाल जी, जी, जी। एक बार बोला जाता है आखिर बेकरारी से मुझे क्यों याद किया है? आज वो श्री राम जो ठाकुर साहब हैं, वो जमींदार साहब, हाँ वो हमारे जिगरी दोस्त दोस्त नहीं बल्कि समझो भाई। हाँ तो वो सफाई कर्मी क्या काम ले हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या साला पागल की बात कर रहा है? तो ये आदमी कम है कोडरी, तो उन्होंने क्या कहा है? कोडरी में है नरिया साफ करे खाए। किसको हम किसको तो बुला करके लाना है? एक मोहल्ले में तो हम ठेका ले लिए हैं साफ कर दिया। अच्छा और दूसरे मोहल्ले में तुमका साफ करे। बकवास कर रहा है, कोई खास बात होगी तब यू तुम खुद जाएंगे। चलो मैं चल रहा हूं। एक बात पूछूं, आपके चेहरे की रौनक लाला पूछता
और लग रहे और आज बहुत खुशी साहब, इस शैतान को सारे को मुंह लगा लिया, इसका दिमाग ज्यादा खराब हो गया। हम जानते हैं पुराना मुलाजिम है आपका, ये साला बहुत हंसते मजा करता है। तो श्री राम जी सुन मेरे लाला, बताइए। और दिल में उठ रहा कुछ बात और है, दिल में मेरे उठ रहा उलझन का तूफान, और इस नगरी में इस समय किसकी सुता है। इस इलाके की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी लड़की है? मैं जानना चाहता हूं किसी इस इलाके में किसकी लड़की और किसकी सुता इस समय खूबसूरत और तो ठीक है, मैं बता रहा हूं जवान है। देवदार क्या कह है अच्छी सुता, जाएंगे आज जो चल रही है और
जिगर दरमियान डाल पर पानी उसको उठाए। दिल में धीरे धरो काम बंदा ठाकुर हो गए कि तू अबे खराब पुतली ठाकुर हो गए। ठाकुर हो गए कि तू अबे खराब पुतली एक लड़की को लाने से इनकार है आज तक बाप मेरी और नट्टा कोई कर रहा आज इनकार है। अरे जमींदार साहब काहे को इतना नाराज हो रहे हो, हमें समय चाहिए और करीब करीब एक हफ्ते का समय चाहिए। एक हफ्ते में भूलन ला करके तुम्हारे कदमों पे छोड़ दूंगा। नौकर मैं इस बात का वादा कर रहा हूं। नौकर साले यस मैडम हम मैडम हैं या ये क्या साले हम मैडम हैं। अरे यार तुम चुप में रहो। जब ठाकुर साहब इधर छोटे माली से बात हो रही। एक मिनट यहाँ आइए यार। खाम खां के लिए क्यों परेशान कर रहे हो जमींदार साहब को? देखिए जमींदार साहब ने कहा कोई खूबसूरत लौंडिया होनी चाहिए हवेली के अंदर, तो हमने कहा वो मल्ला की बेटी है जिसका नाम फूलन बहुत सुंदर है। उधर जा बैठो यार। तो ये कह रहे हैं उसको लेकर के आओ, तो हमने समय मांगा करीब करीब एक हफ्ता लग जाएगा। भैया अगर बने वाली बात हो तो कपड़ा हम खरीद लिया, मोछे तुम बनवा लियो, सलवार सूट पहनने के यहाँ पैसा तय कर लिया जाए पहले। उसके बाद सलवार सूट पहन के यहाँ तुमका लेके चली हुआ आधे आधे पैसा ले लिया। अब वो अंधे साला तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, इतनी शराब पी करके आए हो? नहीं जब मौका पहुंच मौके पर है तो कह दियो नहीं मैं नहीं बोलूंगी तब मेरे बवास ही रहे। हाँ तो बोलो क्या इरादा है तुम्हारा? ये तो मनोरंजन की बात रही, पैसे का सवाल कर दो कितना पैसा लगेगा। ये है तिनके डाकू ही बच्चे हैं अब। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं भाई, यहाँ रहते इतना काम करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएंगे और तुम्हारा तो यहाँ से पत्ता ही गोल हो जाएगा। नहीं तो अब हम लोग ये न बताएंगे बिटेवा उठे। नहीं नहीं आप नहीं करेंगे, उठवा लेंगे हम, सारी जिम्मेदारी हमारी रहेगी। लेकिन खोजो जा करके दो तीन करोड़ रुपए लाग जाए। तो ये बात बताओ जमींदार साहब से तीन करोड़। ठाकुर साहब बोल, मान चलो 3 करोड़ रुपया लाग जाए। 3 करोड़ एक छोटी सी लड़की को लाने में? छोटी सी लड़की वो अमीर हो या गरीब हो इज्जत का भाव न कर पाई हो। ये बात मानता हूँ तुम्हारी। 50,000 रुपया थाने में जमा करे पड़ी। अच्छा और 50,000 कहाँ लगेगा? वो गाड़ी क्या भाड़ा दो एम्बुलेंस 1,00,000 रुपए हो गया। एम्बुलेंस नहीं आम गाड़ी सने लेके आई भाई तो खुद ही रोक लिया है वो। 1,00,000 हो गया और 1,00,000 तुम्हारा इसका हो गया एम्बुलेंस। हम तो पैसे लेंगे नहीं, हम तो आपके तो फिर 3,00,000 किस बात का है? ये हिया कहा था इनकी घर इतनी खुद ही न खाना दिया। ठीक है
लाला राम मेरी बात सुनो जी, बताइए। मैं दीवाना और बेचैन हूं, ठीक ठीक, 1 लाख लगे या 3 लाख, मुझे सिर्फ जिसकी तूने तारीफ किया है वो लौंडिया चाहिए बस। वो क्या चप्पल जूता खाना है, है? हम अरे इसकी प्यार मोहब्बत की बातें करना है, चप्पल जूता नहीं खाना है। साथ में ले जाएंगे, कुछ साथी होंगे उसको उठवा लेंगे और क्या। तुम चलो पैरा बिछा बैठो। पैरा की बात करो, मैं पैरा बिछाऊंगा बिटे वक्त लिए आए रहना हम लोग। अबे तुम्हें कहना चाहिए चलो आराम करो। चलिए जमींदार साहब आराम करो, चलिए और हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं। और हाँ वो खजांची से बोल देना हमें पैसे दे दे। ये काम दोनों आदमी को करना है और पैसा जितना लगेगा तुम्हें मिलेगा। ना लौंडिया तो कोई लौंडा जरूर हट, हट, उसकी हट, नहीं आजकल चिकने लौंडा चला था। चल जाइए जमींदार साहब जाइए। इतनी पीलिया है तुम यार अपने भाई हो। हाँ ठीक है, पैसन वाला जुगाड़ अपन सोचो। वो तो हो जाएगा, इनके मारो और पिया दियो दारू। ये तो कोई जनाने लौंडे के साड़ी पहना के यहाँ, उसके बाद में क्या होगा जब बिस्तर पे जाएगी तो हम लोग हम का लालटेन देखे। नहीं नहीं तभी तो तुम्हारे ऊपर भी लाठी चलेगी का। हाँ। तो जने रही भी खुदा ही मार डर। लेकिन सुनो मेरी बात समझो पहले, उस लड़की को तुमने कभी नहीं देखा है, हमने देखा है बहुत।